हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX विकास। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर 2023-24 का जो बैच है उसका रिजल्ट कब आने वाला है। गाइस, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली फार्मेसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं, नोटिफिकेशन नोटिस आते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्म के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आने वाला है, जो कि काफ़ी दिनों से बच्चे वेट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हम आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आने वाला है। तो गाइज, वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिए ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी आपके, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। डी फार्म फर्स्ट ईयर वालों के मेन एग्जाम स्टार्ट हुए थे 3 जनवरी से और ख़त्म कब हुए थे? 16 जनवरी को उनके एग्जाम खत्म हो गए थे। तो गाइज, आपके एग्जाम 16 जनवरी को लास्ट एग्जाम लगा था आपका, यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल भी खत्म हो गए थे, यानी कि आपके एग्जाम को लगे करीब 2 मंथ हो गया। कितना टाइम हो गया दोस्तों आपके एग्जाम को लगे? कितना टाइम हो गया? 2 मंथ हो गया। 2 मंथ तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है एग्जाम को लगे, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। स्टूडेंट्स को इंतजार हो रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा। उसकी इस वीडियो में हम सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दें कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों RUHS में कोई स्टाफ का इशू चल रहा था, इसलिए वो कॉपियाँ पूरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी। तो RUHS में इशू होने की वजह से कॉपियाँ अभी तक जाँच नहीं हुई है, अभी जाँच होने के लिए आई है कॉलेजों में। तो दोस्तों अभी जांच हो रही है, प्रेजेंट टाइम में उनकी जांच चल रही है। तो उनकी चेकिंग होने के बाद में उनकी रीडिंग वगैरह होकर फीडिंग होगी, फिर उसके बाद में आपके नंबर चढ़ाए जाएंगे। दोस्तों आपका रिजल्ट करीबन 20 अप्रैल के समथिंग मिडिल में, यानी कि मिडिल अप्रैल, अप्रैल के थर्ड वीक में कब आएगा दोस्तों? मिडिल अप्रैल आपका रिजल्ट मिडिल अप्रैल में, कब तक दोस्तों? मिडिल अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 20 अप्रैल के समथिंग, अप्रैल के थर्ड वीक में। कब दोस्तों? अप्रैल के थर्ड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों रिजल्ट की यह बिल्कुल एक्सपेक्टेड डेट है और 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी कॉपी जांच हो रही है, अभी थोड़ा 10-15-20 दिन का टाइम लगेगा कॉपियों को जांच होने में। तो गाइस, आपका रिजल्ट अप्रैल के थर्ड वीक के समथिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसी लगी गाइज, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और एक बात और बता दूं गाइस आपको कि हमारे इस चैनल पर फार्मेसी न्यूज़, फार्मेसी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मासिस्ट की जितनी भी वैकेंसी आती है उनकी सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। से रिलेटेड, फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिस नोटिफिकेशन आते हैं, कोई भी चेंजेज आते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं स्टूडेंट्स के। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे इस चैनल पर मेडिकल लाइन से रिलेटेड, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग से रिलेटेड न्यूज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ़ यू।